आप भी अपने इंस्टाग्राम को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाली हूँ। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है और साथ ही साथ अपने इंस्टाग्राम को क्यों डिलीट करना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पढ़ाई के कारण या फिर एग्ज़ाम के कारण अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करना चाहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ब्रेकअप के कारण अपने इंस्टाग्राम को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप अपना रीज़न ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट में। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हमें अपने इंस्टाग्राम पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो हमें नीचे की तरफ अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही देख सकते हैं हमें ऊपर की तरफ एक ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे 3 लाइन का, तो हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, तो हमें इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो हमें नीचे की तरफ आ जाना है यहाँ पे देख सकते हैं। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है हेल्प का, तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है हेल्प सेंटर, तो हमें इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं हमें ऊपर की तरफ 3 लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, तो हमें इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे मैनेज योर अकाउंट, तो हमें इस पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आने के बाद अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट योर अकाउंट। तो अब यहीं पे वीडियो को छोड़ के मत जाना, ये मत सोचना डिलीट का ऑप्शन मिल चुका है तो अब यहाँ से हम डिलीट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आगे इंस्टाग्राम ने बहुत कन्फ्यूज़ कर रखा है, तो अब हमें करना ये है कि हमें डिलीट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 अलग अलग ऑप्शन मिल रहा है। पहला जो ऑप्शन है टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट का है, दूसरा डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। तो यहाँ पे हमें करना ये है कि हमें टेम्प्रोरी डीएक्टिवेट पे क्लिक करना है, यही कन्फ्यूज़न कर रखा है, तो हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर की तरफ हमें एक ऑप्शन मिला है डिलीट योर अकाउंट, तो हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमें एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड्रॉयड ऐप हेल्प, तो हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है मोबाइल ब्राउज़र हेल्प, तो हमें इस पे क्लिक कर लेना है। मोबाइल ब्राउज़र हेल्प करते ही देख सकते हैं यहाँ पे अब हमें एक ऑप्शन मिल रहा है डिलीट योर अकाउंट, तो हमें इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें किसी एक रीज़न को सिलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ से फर्स्ट वाले रीज़न को सिलेक्ट कर लेंगे। रीज़न डालते ही देख सकते हैं अब हमें कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ हमें एक ऑप्शन मिल रहा है री इंटर योर पासवर्ड, यानी कि यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के पासवर्ड को यहाँ पर डाल दें। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमें तो अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड पता ही नहीं है, फिर हम अपने अकाउंट को कैसे डिलीट करें। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिला है फॉरगॉट पासवर्ड, तो यहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड कर ले, उसके बाद जो भी नया पासवर्ड बनाए उसको यहाँ पे एंटर कर दे। एंटर करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिलीट का ऑप्शन मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपका जो अकाउंट है वो 1 महीने के बाद ही परमानेंट डिलीट होगा, यानी कि अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट कर देते हैं, अगर आप फिर से दोबारा से लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा। अगर आप डिलीट करके छोड़ देते हैं, लॉगिन नहीं करते हैं, तो कोई दूसरा अगर आपके अकाउंट को सर्च भी करेगा तो वो सर्च में नहीं आए। लेकिन अगर आप 30 दिनों के अंदर ही फिर से दोबारा लॉगिन करते हैं तो ये जो अकाउंट है वो डिलीट नहीं होगा। अगर आप दोबारा से लॉगिन नहीं करते, 30 दिनों तक वैसे ही छोड़ देते हैं, तो फिर आपका अकाउंट परमानेंट डिलीट हो जाएगा।